हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कोटा किचन में आपका। और आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ली है और इनको अच्छे से वॉश करके कपड़े से साफ कर लिया है और फिर छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। साथ में मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली है, जिनको भी मैंने इसी तरीके से बारीक टुकड़ों में कट किया है। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 2 से 2.5 चम्मच तेल। तेल के गर्म होने पर इसमें डाल देंगे जीरा, और जैसे ही जीरा चटक जाएगा इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। मिर्ची को हम करीब 1/2 मिनट ऐसे ही भून लेंगे और इसके बाद फिर हम कटी हुई भिंडी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो हम इसे इस तरीके से चलाकर इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मिला देंगे अच्छे से। अब इसे ढककर पकाएंगे। चला देंगे इसको अच्छे से ताकि चिपके नहीं। वापस से इसको ढककर पकाएंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल पककर तैयार है। अब तो इसको अच्छे से हम चला देंगे। भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है मसाला वाली, तो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।